हेलो जी, हरियाणा व्लॉगर जी। हाँ राव, यूट्यूब चैनल देखने वालों को राम राम। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ये क्लिप है दीपावली वाले दिन की। दीपावली वाले दिन मैं अपने फ्रेंड के घर पे मिठाई लेके गई थी, तब की क्लिप है ये। और ये यंसो शूट कर रहा था इसको, वहाँ पे हमने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। और उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे फ्रेंड के यहाँ। तो जो गांव में होता है ना, जैसे बस स्टैंड, वहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई थी दीपावली वाले दिन, तो मैं आपको वो दिखा रही थी। और यहाँ पे शूट कर रही हूँ मैं, मेरे को शर्म भी आ रही है क्योंकि लोग है वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि क्यों हमारी ये वीडियो शूट करती हुई जा रही है। तो मुझे शर्म भी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं आपको गांव में जो बस स्टैंड होता है वहां की शॉप दिखा दूं, इसलिए मैंने वहां पे थोड़ी बहुत क्लिप बनाई। हेलो गाइस, ये हमारा घर है और अब मैं आपको अंदर चलते हैं। हाँ बोलो कुछ। हेलो बोल कुछ। वैसे तो मैम हेलो गाइस का नाम बोल लो, हमारे चैनल का नाम बोल और बस बोल भाई, ये शर्माओ भाई, वो कर रहे हो ना, आ जाओ। और मेरी फ्रेंड से तो आप मिल ही चुके होंगे, वो थी मेरी फ्रेंड और ये है उनका घर। तो चलिए आपको उनके घर का छोटा सा होम टूर देते हैं। और यहाँ पे जो वीडियो है वो बना रही है मेरी फ्रेंड, साइड में है इनके यहाँ पे जो प्लाट बोलते हैं वो। और ये है उनका एंट्री बेस जहाँ से एंट्री होती है। और उन्होंने ना आगे थोड़ा खुला छुड़वाया, हमने पीछे छुड़वाया हुआ है और उन्होंने आगे। अब बाद में तो मेरे को भी आगे खुला पसंद अच्छा लग रहा है। मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अपने घर के सामने जगह छुड़वाती, पीछे नहीं छुड़वाती, तो अब क्या हो सकता है। लेकिन हमारी वाली जगह है ना, पीछे वाली बहुत ही यूजफुल है। और यहीं पे इन्होंने होद जो टैंक बोलते हैं, वाटर टैंक, वो बनवाया हुआ है। साइड में इनके प्लाट, प्लाट के अंदर जाने के लिए भी एक गेट छुटवाया हुआ है। और ये घर है स्वराज फिलिंग स्टेशन, जो हमारी लाइव में आते हैं यादव जी साहब, उनका उनकी आईडी है, जो आईडी से आते हैं वो है मेरी फ्रेंड, उनका घर है ये। और शूट तो वही कर रही है, देखो अब वो आपको लेके जाएगी सीढ़ियों में, सीढ़ियों से लेके जा रही है। और देखना आगे आपको क्या क्या दिखाएगी ऊपर से। ये इनका पोर्च का एरिया है, पोर्च का एरिया है ये। और देखिए दीपावली वाला दिन था, थोड़ी साफ सफाई में चल रही थी, तो आप इन चीज़ों को ऐसे इग्नोर करना। और अब आपको दिखाएगी ऊपर से ही प्लाट, जो प्लाट है उसका व्यू दिखा रही है। प्लाट में भी उन्होंने दो कमरे बनाए हुए हैं, दो कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम है साइड में। और ये ऊपर छत पे जाने की सीढ़ियाँ। और आपको दिखाती है स्टोर, ये देखिए स्टोर। अब आप देख लो स्टोर में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, जो भी चीज़ें ये स्टोर में रखी हुई है। और नीचे मैं खड़ी थी क्योंकि मेरे को आ रही थी शर्म, तो इन्होंने बोला था क्यों नहीं लिया, मैं बना के लेके आऊँगी, तू बस खड़ी रह। तो बच्चे भी थे, वो भी बाहर चले गए थे खेलने के लिए। और ये क्लिप है, और ये है इनका सिंक, वॉशलेशन, अब वीडियो एंट्री करती है कि ये है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनका अच्छा बड़ा सा अंदर ही बाथरूम है। एक तो लेटरिन जो टॉयलेट बाथरूम है वो तो बाहर था, और एक अंदर है। और बाहर की साइड है ये इनका गेस्ट रूम, हमारे गाँव में तो बैठक बोलते हैं। और बच्चे देखो यहाँ पे फोन पे लगे हुए हैं। और ये है मैम का स्टोर, किस चीज़ का है, सिलाई वाला स्टोर है। मैं पत्थर बोल रही हूँ, यहाँ पे अपनी मोस्टली जो सिलाई की सिलाई को रखती हैं। और जो ये की मशीन देखते होंगे आप, ये है पिको, पिको की मशीन है। तो मैम का ये प्रॉपर स्टोर है। और अंदर की तरफ चले तो एक रूम इनका ये है, ये रूम भी काफ़ी बड़ा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। हमारे जो रूम है उनसे भी बड़ा है ये। और देखो भाई नीचे हमारे यहाँ पे थोड़ा खारा पानी है, तो जैसे नूनी बोलते हैं उनको, वो लगी हुई है। और ये मैं आपको कुछ क्लिप जो फोटो वगैरह हैं वो दिखा रही थी। मैम है मेरी जो फ्रेंड है वही है, ये पता नहीं मैं कैसा कर रहा है। और ये है विद फैमिली,
तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं। वो स्टोर तो मैम का था और ये स्टोर है लोकेशन है के बारे आपको अंदर एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा अलमारी अलमारी ये इनका प्रॉपर स्टोर है तो देख लीजिए। और यहाँ पे मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि इन्होंने यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है, मैं ऐसे ही चप्पल डाल के अंदर चली गई थी, मेरे को बाद में ध्यान आया तो मैं तुरंत बाहर निकल गई थी। और भाई थोड़ा इनको भी इग्नोर करना, ये भी मैम का सामान है सिलाई का वही रखा हुआ है। और ये है किचन, बस मैं तो बनाए ले आई, कुछ नहीं है इसमें, ना ज्यादा बड़ी है ना छोटी है, लेकिन चार बंदों के हिसाब से एक बार इसकी और बना लूं। और बाहर ही इन्होंने फ्रिज रखा हुआ है और ये फिर से बाहर की साइड का जो गेट है वो है। अब मैं लेके चलती हूँ गेस्ट रूम में, बैठक जो बोलते हैं वहाँ। और एक मशीन मैम ने यहाँ पे रखी हुई है, ये कि मैम यहीं पे मशीन रखती है, जो भी लोग सिलाई वाले आते हैं ये बाहर की बाहर से ही लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था है। और सामने आपने देखी होगी ये मैक ने बनाई है। और मैं चेक कर रही थी इनका पंखा, क्योंकि मैं जी बार बार बोल रहे थे हमारा पंखा भी साफ़ करके जाना, तो मैं चेक कर रही थी कैसा है अभी, लेकिन थोड़ा अच्छा है, इतना वो भी नहीं है। और ये है इनका बाहर बाहर की साइड। तो कैसा लगा मेरी फ्रेंड का होम टूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हम वहाँ से आ चुके थे मेट्रो, देखिए हमारे यहाँ पे मार्केट लगती है जिसका नाम है मेट्रो, वहाँ से हम होके आए थे। वहाँ पे भी मैं क्लिप बनाना भूल ही गई थी, ऐसा मार्केट सजा हुआ था, मैं तो बस चीज़ों को देखने के लिए ही। और ये है प्लांट, प्लांट का जो गेट है, और मैं आपको दिखा रही थी आज तो है ना बस यही 20-25 बाइक खड़ी हैं, वरना यहाँ पर तो इतनी बाइक हो जाती हैं कि खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं रहती। और ये है एंटी पीसी और ये है दीपावली के वाले दिन शाम यानी कि रात की। यहाँ पे बच्चे अपना फूल अनार फूल झड़ियाँ वो कर रहे हैं। और मैंने तो बोला था यहाँ पे लाइट जला लो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि मॉम विदाउट लाइट जलिए क्या होता है, दिखाई नहीं दे रहा होता है, ऐसे रहने दो। पीछे लेजर लाइट लगाई हुई है, देखियो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लीजिए चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही होंगी आपको। जहाँ गाँव वाला गाना बज रहा है वे 60 पाएंगे, जो लोग है वो पूरा मिसिंग हो गया, क्योंकि मतलब वे 60 पटाखा पाएंगे, ये थोड़ा ही पूजा की मिठाई की रंगोली की भगवान की हर तरह की वीडियो बनाई थी, लेकिन वे कलरफुल थी, ये कलरफुल डाटा डाला तो पता नहीं कैसे वो सारी की सारी जो डाटा है वो डिलीट हो गया। अपने रिलिंग चमका है कहने की बात है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके बनाया था दोनों बहनों ने। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखते रहिए, क्योंकि उसके बाद हमारा कोई ब्लॉग डालने का मन ही नहीं किया, क्योंकि ये भी हमने जोड़ तोड़ के कहीं कहीं से उठा के डाला है, क्योंकि हमारा जो पूरा ब्लॉग है वो डिलीट हो गया था।